नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। यहाँ इस समय हम लोग हैं सीधी विधानसभा में। सीधी विधानसभा दाऊ साहब का क्षेत्र बोला जाता है, और दाऊ साहब के नेता, दाऊ साहब के लड़के जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं दो बार, वो यहाँ बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी चुरहट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि सर, किस तरीके की दिक्कतें हैं यहाँ पर राजनीति की? सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे ज़िले का विकास की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल ही समाप्त कर दी है। 15 साल हम लोग पीछे हो गए दूसरे ज़िलों के तुलना में, और वो ही एक प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में है। जिस तरीके की कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति कहते हैं कि राजघरानों के बीच में फंस के रह गई है। हम यहाँ बीते शिवराज सिंह चौहान की सभा भी हमने देखी, वो कहते हैं कि हमने तो पूरे प्रदेश की राजनीति को राजघरानों से बाहर निकाल दिया है, और यही कारण है कि राजघराने आपस में लड़ रहे हैं, और वो उनका संघर्ष जो है अपनी शक्ति को बचाने का है, न कि जनता के लिए संघर्ष करने का। देखिए, ये शिवराज सिंह जी का आरोप हो सकता है, कौन से राजघराने की बात कर रहे हैं? उनके भी मंत्रिमंडल में राजघराने का एक व्यक्ति है कि नहीं है? यशोधरा राजे हैं, विजय शाह हैं, ये सब राजघराने के लोग हैं। अब इसमें सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही है, ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय सिंह राहुल। हम आगे भी आपको मध्य प्रदेश की राजनीति से अपडेट करते रहेंगे। मैं विष्णु नारायण, धन्यवाद।